सास बहू और फ्लेमिंगो कहानी एक बेपसो अनीक और हाँ फिर से वही मिर्जापुर बना दिया है। बस एक चीज जो इसे अलग बनाती है वो है इसकी फीमेल कास्टिंग। अब ये तो वही बात हो गई कि रात की बासी दाल में हरा धनिया डालकर उसे फिर से परोस दिया गया हो। कहानी ऑलमोस्ट मिर्जापुर जैसी है। इसमें भी ड्रग का रैकेट चलाने वाला एक खानदान है, उसमें भी बैठा एक गद्दार है, बाहर का भी कोई करना चाहता इनका शिकार है, राजनेता जो करते हैं इन्हें सपोर्ट, बस इतना ही है इस वेब सीरीज में। बाकी तो वही है जो हर दूसरे ओटीटी कंटेंट में होता है, यानी कि अडल्ट सीन, गाली गलौज, भद्दे और वल्गर सीन्स, ब्रूटल खून खराबा, या कुछ तो अलग दिखाना चाहिए ओटीटी वालों को। अगर इसमें फीमेल कास्टिंग ना होती तो ये 100% आपको मिर्जापुर की रीमेक ही लगती। उसकी तरह इसमें भी गद्दी पाने के लिए फैमिली पॉलिटिक्स दिखाया गया है, वही नेताओं का सपोर्ट एंड फिर उनका पलटवार करना, एक कोई पुलिस वाला जो कि इन्हें पकड़ना चाहता है, कोई पुराना दुश्मन जो इनका बिजनेस हथियाना चाहता है, यही सब चलता रहता है वेब शो में, जो कि काफी हद तक आपको मिर्जापुर की याद दिलाता है। वैसे इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड हैं, वो भी 45-45 मिनट के, जो कि आपकी जिंदगी के 7 से 8 घंटे खा लेते हैं। दिमाग घुमा देने वाले सीन्स और कानों से खून निकाल देने वाली गालियों के साथ आपका दम घुटने ही वाला होता है, पर कुछ एक चीजें जो आपको जिंदा बचा लेती हैं, जैसे कि इसकी कास्टिंग, एक से बढ़कर एक एक्टर हैं इसमें एंड उनकी एक्टिंग देखकर आपको कुछ राहत मिलती ही है, जैसे कि डिंपल कपाड़िया ही है सब सुपर्ब एज अ रानीबा एंड बाकी सारी फीमेल्स लीड ने भी काफी बढ़िया काम किया है। स्पेशली बात करूं तो दीपक डोवरियाल की शानदार परफॉर्मेंस की एंड उनका जो मोंग वाला कैरेक्टर है उसे देखकर कहीं से भी लगता ही नहीं है कि वही एक्टर है जिसे हमने पहले कॉमेडी रोल्स में देखा है। बाकी रानीबा की भी अच्छी बैक स्टोरी दिखाई गई है एंड एक और बात जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी वो है इसका क्लाइमैक्स, ट्विस्ट और टर्न से भरा हुआ, जिसे देखकर पता तो चल ही जाता है कि अभी ये रुकने वाली नहीं है, एक और रिमेक्स बनाकर ही मानेंगे। बाकी आपने अगर सीक्रेट गेम्स या फिर पाताल लोक जैसी वेब सीरीज नहीं देखी है तो ये सीरीज आपको पसंद आ सकती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।